शादी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। देखा तुमने, हमेशा कहते थे ना, चलो चल के भाग के निकाह कर लेते। तुम्हारा हर लफ्ज सच हो क्या वहां? मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा है। आज हमारे लिए हमारी जिंदगी का इतना अहम दिन है। हमें दुआएं देने के लिए ना मेरे माँ बाप है ना ही तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के माँ बापों की दुआएं हमारे साथ हैं। और इससे ज्यादा जरूरी बात यह कि मैं और तुम एक दूसरे के साथ हैं। इसके अलावा हम दोनों को जिंदगी में और क्या चाहिए? अब हम कहाँ जाएंगे? अपने घर, और कहाँ जाना? हाँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये डर है कि तुम जब दुल्हन बनके उस घर में जाओगी तो शायद तुम्हें वैसा इस्तकबाल न मिले जैसा दूसरी दुल्हनों को मिलता है। लेकिन उस मुश्किल में भी ये बात याद रखना तुम शिफा, मैं तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ, हर मुसीबत हम दोनों मिलकर देखेंगे और उसका सामना करेंगे। आज से तुम शिफा जफर नहीं, शिफा वहाज। आज तक तुमने कोई काम ढंग से नहीं किया। काजी आ चुका है, वहाज मौजूद नहीं है, और अब तक तुमने वरीशा के नाम कुछ भी नहीं करवाया। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अब दोबारा मुझे कॉल मत करना। यहां पहले ही सारी वहाज की गैर मौजूदगी की वजह से परेशान है। उधर वरीशा दुल्हन बनकर बैठी है, इधर वहाज का कोई पता नहीं। तुम यहां के मामला ना मुझे खुद हैंडल करने दो प्लीज। महक, वरीशा तैयार नहीं हुई अब तक? तैयार हो भी गई बीजान तो क्या फायदा? सुबह से वहाज का कोई अता पता नहीं, जरूर वो शिफा के ही साथ होगा। मैंने शिरी को फोन किया, वहाज तो वहां पे भी नहीं है। तो फिर मुख्तार भाई वहाज कहाँ है? वो देखें, वरीशा तैयार होकर आ गई है। दूल्हे मियां का कोई अता पता ही नहीं। महरनिसा, महरनिसा, क्या हो गया? आपने तो कभी इस तरह मुझे चीख कर आवाज नहीं दी। आपके बेटे ने मुझे वो सब करने पर मजबूर कर दिया है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। देखें, ये लड़की दुल्हन बनी बैठी है और आपका बेटा, उसका अता पता ही नहीं है। कहां है वहाज? वहाज, वहाज,
मैं आप सब लोगों को सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैंने और शिफा ने निकाह कर लिया। और अब अगर इस घर में किसी भी लड़की की मेरी बीवी की हैसियत है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिफा है, सिर्फ और सिर्फ शिफा की। ये सब क्या बकवास है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा तो आप लोग मेरी जिंदगी का लगाने वाले थे। तमाशा तो चची जान मेरी जिंदगी का लगा रही थी, लेकिन मैंने ये सब करके इनके तमाशे को रोक लिया, क्योंकि मैं किसी को भी ये हक नहीं दूंगा कि वो मेरी और शिफा की जिंदगी के साथ खेले। बचपन से लेके आज तक क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारी हर ख्वाहिश हर आरजू को पूरा किया, और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सके आज? ये इतनी सी बात नहीं है बाबा। आपकी ख्वाहिश मेरी जिंदगी तबाह कर रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इस नाफरमानी का अंजाम जानते हो आज? कौन सी नाफरमानी? मैंने आपकी कोई नाफरमानी नहीं की है। बचपन से लेके आज तक आप सब घर के बड़ों ने ही मेरी और शिफा की शादी तय की थी। आज किसी के बहकावे में आकर आप लोग अपना फैसला बदल लें तो ये मेरा और शिफा का कसूर नहीं है। मैं अपनी आखिरी सांस तक शिफा से किया हर वादा निभाऊंगा, और मेरे नजदीक ये नाफरमानी नहीं है। देख लिया मुख्तार भाई आपने, मैंने पहले ही कहा था कि आपका बेटा नहीं मानेगा, लेकिन आपने अपनी जिद और अना की खातिर अपनी इस घमंडी बेटे की दुल्हन बनाना चाहा, मेरी वरीशा को। या अल्लाह, कैसा नसीब है मेरी बच्ची का। पहले गैरों ने धुतकारा और अब ये अपने मेरी बच्ची को धुतकार रहे हैं। क्या किस्मत लेकर आई है मेरी वरीशा? वरीशा से अब कौन शादी करेगा? कहां जाएगी मेरी बेटी? तुमने अच्छा नहीं किया आज, मेरा मान तोड़कर मेरे गरूर को अपने पांव तले रौंद कर मैं कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। सुना तुमने? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। याद करें मुख्तार भाई, एक वरीशा का बाप था जिसने अपना सबसे प्यारा प्रोजेक्ट आपके कहने पर शिफा के बाप के कदमों में ढेर कर दिया। और इसे देखें कैसी मीसनी बनकर आपके बेटे की बीवी बनकर खड़ी है। शिफा, वरीशा के बाप ने बुरे वक्त में तुम्हारे मां बाप का बहुत साथ दिया है, और तुम इतनी बेशर्म हो कि तुमने एहसान उतारने की बजाय ये किया मेरी बेटी के साथ। तुम्हारा बाप तो बहुत अकड़ के गया था ना कि इस घर में वापस नहीं आऊंगा, और तुम तो अपने बाप का मान भी नहीं रख सकी।
तुम जैसी लड़कियां ना तो बस शिफा मेरी बीवी है और मैं इस घर में अपनी बीवी के साथ किसी किस्म की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मॉम प्लीज शिफा को मेरे रूम में लेकर जाइए। क्या समझते हो खुद? हाँ अरे समझते क्या हो खुद कि ये सब करने के बाद तुम इस घर में रहोगे? अपनी बीवी को लो और दबा जाओ यहां से। मेरा तुम्हारा अब कोई ताल्लुक कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर कल को मैं मर गया ना तो मेरे जनाजे को कंधा मत देना तुम। दफा हो जाओ यहां से। क्या कर रहे मुख्तार आप? चुप। जवान बच्चे कहां जाएंगे? बहू है आपकी, बेटी इस घर की। आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। इस घर की किसी चीज किसी रिश्ते से तुम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। जाओ यहां से। अरे बाबा आपने कोई झूठ नहीं किया। आप अपनी बेटी को दर पदर मत कर प्लीज। अरे पापा प्लीज रोक ले। नहीं प्लीज रोक ले। बीजान महाज बीजान बीजान शिफा फोन उठाओ बेटो। इधर लाओ। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की है कि अपनी खुशियां पाने के लिए वो इतनी खुदगर्ज हो जाए। अपने खानदान की इज्जत और वकार अपने पैरों तले रोन कर अपने आशिक के साथ भाग जाए। अल्लाह ना करे, ये क्या कह रहे हो? मेरी बेटी घर से नहीं भागी है, मेरी इजाजत से गई है वो। मैंने खुद उसे अपनी दुआओं के साए तले रुखसत किया है। आपको सजा देनी है ना तो मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे एक दफा शिफा से बात करने। अरे जब एक बार कह दिया था कि अब शिफा और महाज का कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई कि शिफा को तुमने महाज के साथ घर से भगा दिया? तुमने अपने घर की अपने हमारे खानदान की इज्जत के बारे में एक बार नहीं सोचा? तुम सोचा था मगर सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचा था। जफर एक बार आप भी तो सोचे ना, ये लोग खानदान वाले बातें करके कल को भूल जाएंगे, जिंदगी तो हमारी बेटी की खराब हो जाएगी ना। मैं माँ हूं, अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकती। उसकी तड़प का अंदाजा है मुझे। मैं आपकी तरह अना में आके ना अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती। प्लीज मामा प्लीज पिक अप द कॉल प्लीज कॉल मामा। बार बार सबको कॉल्स करके अपने आप को घर क्यों पहुंचा रही है? क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें कि अब कोई नहीं है हमारा, कोई भी नहीं? आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा ने बाबा के फैसले के खिलाफ हमें जाने दिए। पता नहीं मामा उनके साथ कैसा रवैया रखेंगे। फोन भी नहीं उठा रही है मामा। कब से कॉल्स कर रही हूँ मैंने।
कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारी इजाजत से गई है। लोग यही जानते हैं और यही कहेंगे कि वो घर से भाग गई। लोग वही कहेंगे जो हम उन्हें कहने का मौका देंगे। सफर पहाज और शिफा का रिश्ता हम बड़ों ने तय किया था ना, वो दोनों बचपन से एक साथ हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इतना पुराना साथ है, एकदम एक झटके से ये सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है? शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये रिश्ता मैंने नहीं, ये तुम्हारे भाई साहब ने तोड़ा है। और जब ये एक बार रिश्ता खत्म कर दिया है तो हमारी बेटी को इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि उनसे रिश्ता कायम करने के लिए हम उनके सामने गिड़गिड़ाते। बहुत गलत किया तुमने शीरीन, बहुत गलत। सफर प्लीज, अगर आप इन बच्चों के रिश्ते को दिल से कबूल कर लेंगे ना, तो आपके इज्जत वकार पे कोई आंच नहीं आएगी, वो बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे पहले था। लेकिन अगर हमारे बच्चे सड़कों पे बेयारो मददगार हो गए तब लोग बातें बनाएंगे। हरगिज़ नहीं, उन्होंने जो किया है उसका भुगतान तो उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे जीते जी अब शिफा को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो मर गई है मेरे लिए और उसका बाप मर गया उसके लिए। अल्लाह ना करे ऐसा निकले। मेरी अभी अपने एक दोस्त से बात हुई है, वो कह रहा था कि एक दो दिन में रहने के लिए एक मुनासिब इंतजाम हो जाएगा, तो चलो रहने के लिए कम से कम एक छत तो मिल जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, हाँ मैं सब हैंडल कर लूंगा। I'm sorry वहाज। क्यों सॉरी कह रही? माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए। कितने ख्वाब देखे होंगे ना तुमने कि हमारी शादी कितनी धूमधाम से होगी। मैंने भी सोचा था कि अपने घर वालों के साथ धूमधाम से उनकी खुशी से तुम्हें घर से रुखसत करूंगा। तुम्हारे पैरों तले फूल ही फूल बचा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दू। लेकिन देखो देखो आज किन हालात में ये निकाह हो। ऐसे हालात में के यहां से रुखसत करके तुम्हें अपने घर तक नहीं ले जा सका। I'm sorry। Really sorry। आखिर क्या बुरा किया था हमने तुम्हारे साथ कि तुम हमें जलील कराने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती? मैं चाहती हूँ कि राशिद घर वापस आ जाए। आप प्लीज पुलिस से कह के उसकी जमानत करवा दें। मेरी बीवी होकर घर पे पुलिस बुलवाती है, मुझे गिरफ्तार करवा दिया, मैं इससे पूछूं भी ना। घर के मामलात कैसे ठीक करने ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या करेंगी आप फिर? जो मैंने आज तक नहीं किया था वो करूंगी अब मैं। नहीं होगा कुछ भी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। रिशा बोला था मैंने आप लोगों को, मैंने सबको बोला था कि नहीं हो सकता। नहीं रिशा, अरे क्या कर रही हो बेटा, हमेशा मेरी बेइज्जती होती है सबके सामने। रिलैक्स हो जाओ,
पुरसुकून हो जाओ, मुझ पे भरोसा रखो, अपने डैड पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं है मुझे किसी पे भी भरोसा। आपने जो कहा मैंने वो किया, मामा ने जो कहा मैंने वो किया, आप लोगों ने जैसा चाहा मैंने वैसा वैसा किया। और मैं कहा हूं? मेरी कोई वैल्यू है किसी की नजर में? किसी की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ठीक है जो करना होगा मैं खुद करूंगी डैड, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, तुम्हें तुम्हारा हक मिल के रहेगा। सुनता कौन है आपकी? कौन सुनता है आपकी? आप किसी के लिए कुछ भी नहीं है। उसने अपने बाप की कोई वैल्यू नहीं रखी उस लड़की के सामने, अपनी बाप की कोई मोहब्बत नहीं छोड़ी उस लड़की के सामने, तो वो आपकी और मेरी मेरी क्या सुनेगा? मेरी तो किसी की नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है ना, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे तो लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ जब मैं किसी को दिखती नहीं हूँ। इधर देखो अपने डैड की तरफ, इधर देखो मुझे, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जो तुम चाहती हो ना, तुम्हारे डैड वही करेगा। बताओ मुझे शफा और वहाज, इन दोनों की मौत चाहती हूँ, इन दोनों को तकलीफ देना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मर जाए ये दोनों। ऐसा ही होगा, उनको मौत ही मिलेगी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है तुम उनको तकलीफ पहुंचाओगी, उन दोनों को अलग कर कर मौत मिलेगी। तुम्हें रिजेक्ट किया है ना, तुम्हारा दिल तोड़ा है, अब बदला लेने की तुम्हारी बारी। मैं जानता हूं तुम्हारे पास मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है शिफा, लेकिन कम से कम यही सोच के मुस्कुरा लो कि आज हम एक, और हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि हम पूरे जमाने से टकरा गए। या फिर शायद तुम्हारे रोने की वजह यह भी हो सकती है कि तुम ऐसे मेरी जिंदगी में शामिल ही नहीं होना चाहती थी। आज ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा है मैंने तुमसे? नहीं बाज, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ, तुम सब कुछ हो मेरे लिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम। तुम भी, और ये वक्त भी कट जाएगा। क्या समझते हो? हाँ, अरे समझते क्या हो खुद कि ये सब करने के बाद तुम इस घर में रहोगे? अपनी बीवी को लो और दबा जाओ यहां से। मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं बचा। अगर कल को मैं मर गया ना तो मेरे जनाजे को कंधा मत देना तुम। आ जाओ, खाना रख दो यहां। जाओ दरवाजा बंद करती जा। जी। खाना खा लो। नहीं बीजान, मुझे भूख नहीं है। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा, खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और बीमार इंसान कमजोर हो जाता है, और तुमको इस वक्त बहुत
हिम्मत और हौसले की जरूरत है। तुमने जंग जो छेड़ दी है। भीजान, मैंने मैंने जंग छेड़ी? हाँ मेहरुन्निसा, तुमने जंग छेड़ी है। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने तो मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी। तुम तो महक और वरीशा की नफरत में बिल्कुल आंखें बंद किए बैठी हो। पता नहीं, दूर करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उनकी नफरत कम भी नहीं कर पाई। विजान, मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा छीन लिया गया, उसे मुझसे और मुझे उससे दूर कर दिया गया, और आप कह रही हैं सब मेरी नफरतों का नतीजा है। बीजान, आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? महक इस घर का अच्छा नहीं चाहती है, वो इस घर को तबाह करना चाहती है। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? चलो, मैंने माना कि वो इस घर को तबाह करना चाहती है। और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो घर को तबाह कर रही हो ना, कि तुम्हारे जिगर के टुकड़े को तुमसे दूर कर दिया गया। लेकिन मुख्तार के बारे में तुम नहीं सोच रही? कितने फखर और कितने मान से उसने वरीशा और वहाज का रिश्ता तय किया था। उसको बड़ा मान था कि उसका बेटा उसकी बात मानेगा, और वो मानता। वो मेरा खून है, मेरे हाथों का पला हुआ है। वो अपना दर्द भूल के अपने बाप का मान रखता, मगर तुमने बेटे को बाप के खिलाफ कदम उठाने पर उकसाया, उसके अंदर मौजूद गुस्से को भड़काया। तुमने एक दफा भी नहीं सोचा कि वहाज को बाप के खिलाफ करके वहाज को मिलेगा क्या? कैसे सोचती? तुम तो वरीशा और महक की नफरत में आंखें बंद किए बैठी थी। तुम्हें इस खानदान की इज्जत और वकार का जरा ख्याल नहीं था। एक ही झटके में जैसे मेरा खानदान टूट के रह गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर आज तुमने बाप बेटे के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी की कि शायद उसे तो गिराना भी बहुत मुश्किल है। बीजान, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप मुझे गलत समझती। बीजान, उनका फैसला ही गलत था। बीजान, वरीशा जो कुछ भुगत रही है अपनी माँ का किया भुगत रही है, और उसकी सजा शिफा और मेरे बेटे को मिल रही है। क्यों बीजान, क्योंकि वरीशा इस घर का खून है। बीजान, यकीन कीजिए, मैं उसे अपनी बेटियों की तरह चाहती हूँ, लेकिन उसके अच्छे के लिए मैं अपने बेटे की खुशियां कुर्बान नहीं कर सकती। बीजान, मैंने जो कुछ किया है अपने बेटे की खुशी के लिए, और अगर आप लोग मुझे उसका मुजरिम समझते हैं तो ठीक है, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दें। अब वरीशा कैसी है? तुम बताओ कैसी होगी, बताओ मुझे कैसी होगी। दवाओं का असर है, सो रही है। जैसी दवाओं का असर खत्म होगा, शोर शराबा गुस्सा शुरू हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाज इतना बड़ा कदम उठाएगा। एक ही झटके में सब कुछ हाथ से निकल गया। महक, जिंदगी में कभी भी मुझे तुमसे अकलमंदी की बात की तवक्को नहीं रही। जब भी बात करोगी ना, बेवकूफी की बात करोगी। एक बात बताओ, हम वरीशा और वहाज की शादी किस लिए कर रहे थे? बताओ मुझे किस लिए कर रहे थे? ताकि इस घर पर
पूरी दौलत पर वरीशा का राज हो, यानी हमारा राज हो। तो अब अपना जरा दिमाग इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते। वहाज को तो मुख्तार ने घर से निकाल दिया है, मेहरुन्निसा बेटे का सोग मना रही है। ऐसे मौके पर बीजान और मुख्तार, वो वरीशा की फिक्र में जरूर पागल हो सकते हैं। हाँ तो? तो वरीशा को समझाओ, उसे दोबारा खड़ा करो, उसे बताओ बेटे की जुदाई मुख्तार को कमजोर कर सकती है, उसे किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। यही वक्त है वरीशा को मुख्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, और तुम भी जरा होशियारी से काम करना। आज का घर से निकल जाना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, तक जो भी मसले हुए हैं वो वहाज की वजह से हुए हैं। वैसे वहाज के चले जाने से भाभी और मुख्तार भाई तो अंदर ही अंदर घुल रहे होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि भाभी का सारा गरूर और फखर मुख्तार भाई ने मिट्टी में डाल दिया। जहां वो अपना गम मनाने में मसरूफ है ना, तुम अपने पांव जमाने में लग जाओ और फिक्र मत करो। मैं वरीशा को समझा कर दोबारा उस घर में भेजता हूं, और खुदा के लिए अब तुम उसे संभाल लेना। कोशिश करूंगी, अगर मेरी वो कोई बात सुनती नहीं है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, महक करनी चाहिए। चलो मैं बंद कर रहा हूँ फोन। और हाँ, वो ड्रेस कहाँ है जिसमें वरीशा दुल्हन बनी बैठी थी? यही फेंक के गई है। उठाओ उसे, संभाल के रखो, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना। ये ना हो कि बेटे की जुदाई में मुख्तार अहमद वरीशा को ही भूल जाए। बड़े बाबा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपके जिगर का टुकड़ा, आपका बेटा आपसे दूर हो गया। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था बड़े बाबा, मगर आज जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं मैं ही उसकी मुजरिम हूँ। वरना वहाज ने जो किया बिल्कुल ठीक किया बड़े बाबा। वहाज की जगह अगर मैं भी होती तो यही करती। और फिर शिफा का क्या कसूर था जो आप उसे इतनी बड़ी सजा देने जा रहे थे? हो सके तो उन दोनों को माफ़ करते हैं बड़े पापा, और उन्हें वापस बुला लें। ये घर वहाज का है, शिफा का है, मेरे लिए इन्हें घर से बेघर मत करो। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के। आप सबकी ज़िंदगियों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ बड़े पापा, बहुत दूर। वरीशा, क्या हो गया मुख्तार? क्यों इस तरह वरीशा को पुकार रहे हो? वरीशा मासूम का दिल देखिए, उसे हम सबकी कितनी फिक्र है, और एक हम हैं उस मासूम को एक छतनी दे पाए। ये देखिए, महक भाभी का वरीशा जी। मुख्तार भाई, वरीशा का पता कहाँ है? नहीं, कुछ नहीं बता के गई।
बस उठी और निकल गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। अपने निकाह का जोड़ा देखकर रोती रही। ये खत छोड़ गई तो उसी वक्त बताना चाहिए था ना, अब बताने का क्या फायदा है? क्या बताती बीजान, आपकी और मुख्तार भाई की इस घर में कोई अहमियत ही कहाँ है? यहां तो सिर्फ वहाज और मेहरुनिसा भाभी का सिक्का चलता है। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी मेरी बच्ची। आप नहीं जानते मेरी बच्ची अंगारों पे लौट रही है। कहां गई होगी वो, कुछ अंदाजा है आपको? कोई दोस्त, किसी का फोन नंबर? मैं नहीं जानती मुख्तार भाई, पता नहीं कहां गई होगी मेरी बच्ची। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी जुबान पर एक ही अल्फाज थे कि मेरी वजह से सब दुखी हैं, मैं ही चली जाती हूँ। क्या करूं मैं, कहां ढूंढूं उसे? सारी जिंदगी मेरी बच्ची ने तकलीफ में गुजारी है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के पास आकर मुझे कुछ सुकून मिलेगा लेकिन अब आंसू बहाने का क्या फायदा है? सोचो जरा कहां गई है वो जवान बच्ची, ऐसे कैसे? अब मुख्तार भाई शायद वो रजा के पास गई हो। रजा के पास मतलब? आप मेरे साथ चले, मुझे यकीन है कि वो वहीं होगी। मैं बस चादर लेकर आई।